मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज का पहला एपिसोड आप लोग देख चुके होंगे। आइए हम लोग दूसरे एपिसोड में चलते हैं। और सबसे पहले, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि यदि परसेंटेज आपको यदि अच्छे से पढ़ना हो और आपको आप चाहते हैं कि आगे चैप्टर्स में आपको कोई समस्या ना हो, तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि कुछ जो चार्ट जो मैं यहाँ लिख करके रखा हूँ, इसे सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप नोट करेंगे और बार बार जितने बार आप परसेंटेज पढ़ने वाले हैं उतने बार सबसे पहले क्या करेंगे, करीब 10 दिन तक ये आपको नोट करते जाना है। ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, पूरी तरह से छप जाना चाहिए कि 1/1 यानी कि 100% होगा, 1/2 50%, 1/3 33 whole 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 whole 2/3%, 1/7 14 whole 2/7%, 1/8 12 whole 1/2%, 1/9 11 whole 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 whole 1/11%, 1/12 8 whole 1/3%, 1/13 7 whole 9/13%, 1/14 7 whole 1/7%, 1/15 6 whole 2/3%, फिर 1/16 6 whole 1/4%, 1/7 5 whole 15/17%, 1/18 5 whole 5/9%, 1/19 5 whole 5/19%, 1/20 5%। ये तो आपके दिमाग में छपना ही चाहिए। उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि ये कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं जो कि ये बार बार रिपीट होने वाले हैं। जितने बार आप सवाल बनाने बैठेंगे अक्सर आपको ये वैल्यूज देखने को मिलेंगे। तो चूंकि हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि जो बार बार रिपीट होने वाले हैं उसे क्या कर लें कि याद कर लें, ताकि क्या हो कि जब क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे तो उस समय ज्यादा समय हमारा बर्बाद ना हो। तो ये आप देख लेंगे कि 3/8, पिछले क्लास में आप लोग ये भी सीखे होंगे कि 3/8 का वैल्यू निकालते कैसे हैं। जो लोग नए हैं वो लोग पहले पुराना वीडियोस देख लेंगे, वो सीख जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यदि 3/8 का वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले कहाँ पहुंचना होगा आपको, 1/8 पे। और 1/8 का वैल्यू क्या होता है, आप देखेंगे कि 1/8 का वैल्यू 12 whole 1/2% होता है। और उसी में यदि आपको 3/8 निकालने के लिए यदि आपको पड़े तो यानी कि क्या हो रहा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा। यदि 3/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि कहीं ना कहीं इसे भी क्या करना होगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया कि 12 whole 1/2 यानी कि 12 पूर्णांक 1/2 जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, 12 पूर्णांक 1/2। और इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 36 प्लस 3/2, और फिर आप इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 36 प्लस 1 whole 1/2 यानी कि कितना, 36 और 1 37 37 whole 1/2। और यही देखिए यहाँ लिखा हुआ 37 whole 1/2। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से देखेंगे क्या 5/8, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 1/8 का वैल्यू देखेंगे आप। 1/8 का देखिए वैल्यू कितना हो रहा है, तो 12 whole 1/2 5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, 62 whole 1/2% आ जाएगा। फिर 4/7 का देखेंगे तो ये निकल करके आया, और 5/7 का देखेंगे तो इस प्रकार से निकल करके आएगा। आप क्या करेंगे कि जितने बार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने बार आप परसेंटेज चैप्टर या फिर प्रॉफिट लॉस या फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर्स बनाने रहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये वैल्यूज उसे एक बार अवश्य लिख लेंगे ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि ये सारा वैल्यूज जहां भी दिखे तुरंत आपका दिमाग रीडायरेक्ट कर देना चाहिए कि 50% का वैल्यू 1/2 होगा, 33 whole 1/3% का वैल्यू 1/3 होगा, ये वाइस वर्सा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में, ये दोनों वैल्यूज आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं।
अगला स्लाइड में यहां दिया गया है क्या कि 7/5 है ना, 7/5। यहां भी देख रहे हैं क्या, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए आपको याद होगा कि क्या करना होता है, यस, परसेंटेज में चेंज करने के लिए फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 700/5। ये तो चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यानी तो दूसरा तरीका आप ये सीखे कि सर सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/5 का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/5 का वैल्यू सबसे पहले आप निकाले तो ये 1/5 का वैल्यू कितना निकल करके आया, 20%। बहुत अच्छा जी, फिर आपको क्या करना है, 7/5 का यदि वैल्यू निकालना है तो इसी को क्या करेंगे आप, 7 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और 7 से इधर यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 140, यानी कि 140%। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 7/5 का वैल्यू जो निकल करके आया वो कितना निकल करके आया, 140%। और फिर वही यदि आपसे बोले कि 140% का वैल्यू कितना होगा तो वो क्या होगा, 7/5 होगा। ये दोनों आप इस प्रकार से लेकर के चलेंगे। आइए अगला देखते हैं, ये आसानी से आप कर लिए। दूसरा क्या है कि 35/8। अब इसे आप कैसे करेंगे, क्या आप ऐसे करेंगे कि 1/8 का सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे। 1/8 का वैल्यू कितना, 12 होल 1/2%। ये आपका निकल करके आया है कि क्या आप इसे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे तो फिर आपका समय भी बहुत अधिक लगेगा और हो सकता है बहुत आप गलती भी कर दें, बहुत आप गलती भी कर देंगे। इसीलिए इसके लिए क्या करना है आपको, तो ये आप देखिए कि 8 का टेबल आप पढ़ते चले जाएंगे, इसको आप तोड़ करके लिखिए, है ना। मैं जब भी पढ़ाता हूं आपको सबसे पहले क्या बोलता हूं, यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले क्या कीजिए कि उसके तोड़ने की कोशिश कीजिए, जैसे कि अंग्रेज हम लोग के पे शासन किया था, फूट डालो और राज करो, बस उसी प्रकार से करना है, है ना। मैथ्स को सबसे पहले तोड़िए उसके बाद फिर उस पर राज कीजिए। इसको आप यदि आप तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 8 चौक 32 4, है ना, 8 चौक 32, बच कितना गया 32, और फिर कितना, 3/8 आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। तो देखिए कितना आया, 4 पूर्णांक 3/8। अब आप ही बताइए जी, है ना, अब आप ही बताइए 4 कितना होता है। मैंने आपको बताया था 1 कितना होता है, 100%, 2 कितना, 200%, 3 कितना, 300%, 4 कितना, 400%। तो ये 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 400%, क्या हो गया 400%। ये आपको पता है कि यहाँ प्लस होता है, फिर देखिए 400 + 3/8, है ना, 3/8। अब देखिए जिनको ये याद होगा वैल्यूज कि 3/8 का वैल्यू क्या है, है ना, जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि 3/8 का वैल्यू जिनको याद होगा वो आसानी से कर लेंगे, और जिनको याद नहीं होगा, जिनको याद नहीं होगा तो वो फिर से क्या करेंगे कि 3/8 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फिर से आपको निकालना पड़ेगा। देखिए ना दिया गया कितना, 37 होल 1/2, 37 होल 1/2। तो यहां क्या लिखने वाले हैं आप, 37 होल 1/2%। अब देखिए दोनों को यदि ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 4 37 होल 1/2%। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, एनी प्रॉब्लम, नो सर। तो ये होगा कि 35/8 क्या होने वाला है कि 437 होल 1/2%। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, आगे आइए। इसी प्रकार से आप ट्राई कीजिए, क्या आप ये बना सकते हैं, 33/7%। ट्राई कीजिए तो आप सोच रहे हैं कि इसको तोड़ेंगे कैसे सर। ठीक है, इसके नजदीक जाने की कोशिश कीजिए, है ना, नजदीक जाने की 7 का टेबल पढ़िए, है ना, यस यस, हाँ, 7 चौक 28, बहुत बढ़िया, है ना। तो 7 चौक देखिए 33/7 जो है इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 चौक 28 यानी कि 4 हो गया, 4 7 चौक 28, बच कितना गया, कितना बच गया, 5, यस, बहुत बढ़िया, ये कितना बचा, 5/7। तो आप इसे लिख सकते हैं कि 4 + 5/7, यस, बहुत बढ़िया। तो आप बताइए 4 का वैल्यू कितना, 400%,
बहुत बढ़िया जी, प्लस 5/7। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो पीछे का जो चार्ट जिनको याद होगा उनके लिए बिल्कुल आसान है, जिनको याद नहीं होगा वो धीरे धीरे याद कर लेंगे जी। 5/7 है ना, 5/7। देखिए हम लोग इस जगह पे कहाँ देख रहे थे, किसका वैल्यू में जरूरत है, 5/7 है ना, 5/7। देखिए आपको 5/7 का वैल्यू दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो आपको पता चल रहा है ना कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, बहुत अधिक। इसका इंपॉर्टेंस और भी आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं दिखने वाला, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इसका इंपॉर्टेंस पता चलने वाला है। तो यहाँ देखेंगे क्या 5/7 का वैल्यू कितना आएगा, 71 होल 3/7। तो 71 होल 3/7 यानी कि 71 होल 3/7 यही तो है 5/7। इस जगह पे ये लिखेंगे आप, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 471 होल 3/7%। बोलिए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। तो अब ये सब देखिए, अब जितने यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आप बना करके कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट भी करते जाना है। सिर्फ आप ऐसे ही देखते जाएंगे मैथमेटिक्स को, है ना। ऐसे कोई तो मूवी तो चल नहीं रहा जो कि आप देखते जाएंगे आपको सिर्फ छपते जाएगा दिमाग में, बिल्कुल नहीं छपेगा। यह मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब तक आप खुद इसे बनाएंगे नहीं, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप है ना इसमें इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस भी करना है आपको, ठीक है। तो आप देखिए, मैं तोड़ करके रख देता हूँ इसको, ये तो आप सॉल्व कर लीजिए। फिर देखिए ये है ना 23/12, फिर कितना दीजिए, एक बार में करेंगे है ना, करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अब यहाँ से सीखना है, ठीक है। ये आप बनाएंगे आगे, फिर इधर देखिए 23/12 यदि है, इसको यदि आप एक ऐसे तरीके से किए 12 + 11/12, फिर आपको दिख रहा है ये नंबर बहुत बड़ा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा सर। 1/12 का फिर वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या करना होगा, हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर तो लंबा ही हो गया है ना, लंबा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए वैसा आपको नहीं करना है। इस टाइप में जब आप करते हैं तो इसे आप देखिए कि ये आपको क्या ये नज़दीक दिख रहा है, देखिए 2 बार में 24 के नज़दीक आसपास दिख रहा है आपको, 24 का बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि ये क्या है 24। तो ऐसे समझिए 12 × 2 = 24, 2 - कितना कम है जी, एक कम है ना, एक कम 12 है ना। अब देखिए क्या हम 23/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बताइए आप, सबसे पहले ये बताइए है ना कि 23/12 को 2 - 1/12 लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 12 × 24, 24 में से एक गया 23, 23/12 हो गया यही काम। अब आप बताइए क्या आपको 2 का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है सर, 2 का कितना है 200, 2 कितना 200%। फिर 1/12 का वैल्यू पता है आपको, बिल्कुल पता है जी, 1/12 का परसेंट नहीं पता है, देख लीजिए फिर से आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि 1/12 का वैल्यू कितना है, 8/3, 8/3। तो ये कितना हुआ 8/1/3 है ना, 8/1/3%, ये आपका निकल करके आया। तो आपको यहां तो माइनस करना पड़ेगा 8/1/3। अब यहाँ ध्यान देंगे, इस जगह पे ध्यान देंगे कि जब क्या करते हैं ना, जब ऐड करना होता है 400 + 37 किए थे तो जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 437 × 1/2 कर दिए, लेकिन जब हम लोग घटा कर रहे होंगे तो उस बात पे ध्यान रखेंगे, ऐसे नहीं कि 200 में से फिर 8 को घटा दिए फिर ऐसे कर देंगे, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको मैं आसान करने बताता हूँ आसान तरीके से। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये 200 है ना, बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप इसे क्या कीजिए, ये 8 ना मान करके इसे कीजिए 9 बना दीजिए, पूरी पूरी क्या कीजिए 9 बना दीजिए। तो बताइए 200 में से यदि आप 9 घटा दें कितना निकल करके आएगा जी, 200 में से यदि आप 9 घटा दें तो कितना आएगा 191, बहुत बढ़िया जी 191। चलिए सर इसमें से ये तो घटा दिए, सर ये 9 तो था नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है 9 घटा दिए। अब क्या कीजिए, इसमें से ये घटा दीजिए, ठीक है 3 में से 1 घटा दिए कितना हुआ 2, 2, 2/3 हो गया आंसर, हो गया आंसर, समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, तो इस प्रकार से आपको करना है। आप ट्राई करना चाहेंगे जी इसको, इसको देखिए 41/6 कोशिश कीजिए।
तो 41/6, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। साथ साथ में आप कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाएंगे और सॉल्व भी करते जाएंगे, ठीक है। नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर आप सीखेंगे नहीं, इतना बात ध्यान में रखिए। 41/6, फिर आपको दिख रहा है ये सच्चक 42 के करीब, बिल्कुल दिख रहा होगा जी। तो 41/6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सच्चक 42 यानी कि 7 - 1/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो 7 कितना हो गया, ये 700% हो गया माइनस। अब बोलिए 1/6, 1/6 का वैल्यू क्या है, आइए इस जगह पे 1/6 का वैल्यू देखिए, है ना। 1/6 का वैल्यू 16.2/3% है। ये मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो कितना हो गया, 16.2/3%, बहुत बढ़िया जी, है ना। फिर इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है, घटाना है। आप कैसे घटाएंगे, आपको पता है कि आप क्या करेंगे कि 700 में से 16 को नहीं, बल्कि क्या करेंगे आप, एक बढ़ा करके 17 को घटा लेंगे, ठीक है। तो 17 को घटाएंगे कितना होने वाला है, 683। तो 683 आया, घटा दिए 17 में से। अब देखिए 3 में से 2 घटा कितना आया, 1/3%, दिस इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मैं आपके लिए छोड़ दूं, बिल्कुल छोड़ ही सकता हूं ना, मैं इधर बताया। आप क्या करेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, एक या दो बार फिर से इसको बैक करके देख लेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, फिर ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। मैं ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब इस जगह पे देखेंगे आप, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या किए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कर लिए, बहुत बढ़िया। अब यहां इस जगह पे दिया है क्या, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू, वो चेंज द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। यहां कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं जो कि क्या है कि परसेंटेज में है, उसे क्या करना है आपको, फ्रैक्शन में चेंज करना है। सर ये काम तो पहले भी कर चुके हैं लेकिन यहाँ लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, इस प्रकार से आप कर चुके हैं ना, 20%, ठीक है। 20% क्या, 20%, ठीक है। ये से आप कर चुके थे, ये कितना निकला था, 1/5। ये काम पहले आप कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, लेकिन क्या आप यहाँ भी उसी तरह दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है ना। यहाँ दिया गया सर बड़ा नंबर है, 157 है ना, 157 होल 1/7%। फिर याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको समझ में ना आए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फूट डालेंगे फिर राज करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, फूट डालते हैं, ठीक है जी, फूट डालते हैं। फूट कैसे डालते हैं जी, ये आपको दिख रहा है, ये चिल्ला चिल्ला करके देखिए आपको बोल भी रहा होगा ना कि ये मैं क्या हूँ, इसमें 100% प्लस 57 होल 1/7%। क्या आपको इसके अंदर ये दिखा, बताएंगे, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। ये खुद चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा ना कि ये कितना है, लेकिन ये तब बोले, इसका आवाज ना आपको तब समझ में आएगा जब आपको उसका वैल्यूज याद होगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना इसको तोड़ना किसमें किसमें है, ठीक है। ये तोड़ आप अच्छे तरीके से तब सकेंगे जब क्या हो कि वो जो चार्ट दिया गया है वो चार्ट क्या आपके दिमाग में होगा, तभी उस हिसाब से आप इसको तोड़ेंगे। देखिए क्या हुआ, 100% और 57 होल 1/7। अब ये बताइए कि 57 है ना, ये 100 है ना सबसे पहले, तो 100 कितना होता है, 1 होता है, बहुत बढ़िया जी। और आगे देखिए कि 57 होल है ना, 57 होल, ठीक है, 1 प्लस 57 होल 1/7%। मैंने क्या बोला कि आपको उल्टा दोनों याद होना चाहिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, दोनों याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो फिर गड़बड़ होगा। आप देख लीजिए इस जगह पे, मैंने फिर से देखिए आपको दिखाया ना कि इंपॉर्टेंस नजर आ रहा है इस चार्ट का, कि यदि आपको 57 होल 1/7% का यदि आपको वैल्यू याद है तो फिर से आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए क्या करेंगे, ये चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आप याद कर लेंगे। तो 57 होल 1/7% का वैल्यू कितना है, तो 4/7 है ना, 4/7। तो आप इस जगह पे पहुंचेंगे जी, है ना, 4/7। तो ये क्या निकला, 4/7। अब इसको सॉल्व करने आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 7 और 4 कितना हो गया, 7 4 11, 11/7 यानी कि 11/7 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि
157 होल 1/7% का जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, तो 11/7। उन्हें समझ में आया? यस, ठीक है। चलिए, यदि समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, ये करके दिखाइए। 366 होल 2/3%, इसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे सर, बता दे रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, बाकी ये दोनों आप खुद से करेंगे, ठीक है। फिर देखिए ना कि ये 366 को आप ऐसे तोड़ सकते हैं सर, 300 है ना प्लस 66 होल 2/3%, तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, ठीक है। आइए, 300 कितना होता है, तो 3 होगा, 300 कितना, तो 3, 400% कितना, 4, तो ये कितना 300% कितना हो गया, 3 प्लस 66 होल 2/3%। नहीं दिख रहा होगा सर, दिखेगा सर, देखिए ना, क्या आप ये आपको दिख रहा है कभी दिमाग में, देखिए तो स्कैन करके देखिए, क्या आपके दिमाग में मिल रहा है ये चीज, ये वैल्यू कहीं, 33 होल 1/3%। यस सर, बिल्कुल दिख रहा है सर, ये किसका वैल्यू है, तो ये 1/3 का वैल्यू है सर, पढ़े हैं ना आप तो, पढ़ा है सर, तो 1/3 का वैल्यू कितना है, 33 होल 1/3%। तो आप ही बताइए कि ये 66 होल 2/3 क्या आपको दिख रहा है इसका दोगुना है? बिल्कुल है, यानी कि इधर भी दोगुना होने वाला है, यानी कि 2/3 हो जाएगा, कितना होगा 2/3। इस प्रकार से इससे आप यदि सॉल्व करेंगे तो कितना, 9 और 2 कितना हो गया, 11/3, कि इसका वैल्यू कितना निकल करके आया, 11/3। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस प्रकार से यदि आपको समझ में आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, ये दोनों मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ये बनाएंगे आप खुद अपने से, उसके फिर कमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ो, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग, अब यहां दिया है क्या, अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। यानी कि क्या है ना कि परसेंटेज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है ना, ये समझना। ये आप यदि आप पहले पुराना वीडियो, पहला वीडियो यदि आप देखे हैं उसमें मैंने आपको बताया, और उससे और गहराई से मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। आप देखिए, यदि दिया जाएगा 20%, 20% का अर्थ होता है क्या, 20%, यानी कि क्या 100, यानी कि क्या कोई भी चीज का यदि आप 100 टुकड़ा कर देते हैं ना, कोई भी चीज का यदि आप 100 टुकड़ा कर देते हैं, उसका यदि आप 20 भाग निकाल लेते हैं, क्या करते हैं 20 भाग यदि निकाल लेते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, 20% कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, समझिए एग्जाम आपका हुआ, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, आप एग्जाम दिए और उसमें से आपको कितना आया, 20 नंबर आया, कितना आया 20 नंबर आया, तो बताइए आपको कितना परसेंट मिला, तो 20% मिला ना, 20% ही मिला, तो यही इसका अर्थ है, ठीक है। और फिर यदि आप देखिए, ये तो अर्थ हुआ डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट इसको हम क्या कर दे, जैसे था वैसे ही लिख देने पर, फिर आप इसको यदि आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आपको दिख रहा है ये कटने वाला, जाने दीजिए ना, जाने वाला को कोई रोकेगा नहीं, जो जाएगा उसको जाने दीजिए, ठीक है। तो चल गया, अब इससे क्या लिखेंगे, 1/5, ये क्या हो गया 1/5, तो बताइए सर ये किसका क्या मतलब, इसका भी सेम अर्थ है, यहाँ आपको क्या बोले कि 100 में से आप 20, यहाँ क्या बोले 5 में से 1, बात बराबर, बात क्या है बराबर। यदि 5 मार्क्स का समझिए एग्जाम हो रहा है, उसमें से यदि 1 मार्क्स आया, उसका भी मतलब यही है कि आपको कितना मिला, 20% मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। तो 5 टुकड़ा में से 1, यही क्या कहलाता है आपका, 20% कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे इस चीज को कि यहाँ यदि दिया गया क्या कि अब आपको यहाँ समझना है, ये तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर में जो दिया गया है ये क्या होता है, बेस वैल्यू, ये क्या होता है बेस, यानी कि यही क्या होता है ना, ये ओरिजिनल होता है, ये क्या होता है ओरिजिनल नंबर, ये क्या होगा आपका ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये ओरिजिनल होने वाला है, ठीक है। बाकी ये जो होगा ना, ये होगा चेंज, चेंज वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू बोल सकते हैं, ये क्या चेंज वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है, चेंज वैल्यू। नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, मैं फिर समझा रहा हूँ ना, अभी मैंने समझाया क्या, समझाऊंगा तब तो समझ में आएगा, ठीक है। चेंज वैल्यू का अर्थ ये हुआ कि यदि इसमें कोई भी बदलाव बोले, जैसे बोले क्या कि 20% बढ़ रहा है, 20% घट रहा है, ठीक है, तो जो भी बढ़ेगा या जो भी घटेगा वो इस पे होने वाला है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। जैसे कि यदि मैं आपको बोलूं क्या 20%, ठीक है, 20% इंक्रीज, क्या बोलूं,
इंक्रीज, ठीक है, मतलब 20% बढ़ रहा है। तो 20% सबसे पहले आप देखेंगे क्या कि 20% कितना होता है, 1/5, 1/5। तो ये बोले क्या, ये 5 जो है ये क्या है, ओरिजिनल है, ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यू है। और ये क्या है आपका, चेंज, वेरी गुड, ये क्या है, चेंज। जैसे मैंने आपको बोला क्या, 20% इंक्रीज, क्या बोला, 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज का अर्थ हुआ कि क्या हुआ कि आपको बोलेंगे चेंज क्या हो रहा है, 1, यानी कि 1 बढ़ रहा है, 1 क्या रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि अब क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो सबसे पहले देखिए, ये पहले 5 था, पहले कितना था, 5 था, 1 और बढ़ गया है ना, पहले 5 था, यहां लिख देता ना, ये बिफोर है, ठीक है, ये लिख देता हूं यहां, ये बिफोर है, ठीक है, यहां कर देता हूं क्या, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर। ओरिजिनल वैल्यू समझिए कितना है, 5, ओरिजिनल कितना, 5। फिर मैंने बोला क्या कि 20% इंक्रीज, यानी कि 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, बढ़ा कितना, 1 बढ़ा, यस, 1 बढ़ा। तो पहले था 5, 1 और बढ़ गया, तो कितना गया, 6, समझ में आया। तो ये होता है परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग। तो इसे आप क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इसे आप तोड़ेंगे और खुद से ना, देखिए आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। जब तक आपका दिमाग नहीं समझ जाता, भले आप सवाल जैसे तैसे करके आंसर ले आते हैं, उस प्रकार का कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप अच्छे से सवाल को बना पाएं, तो क्या करना होगा, आप खुद को क्या करना होगा, समझाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप कर सकेंगे, बहुत बढ़िया। फिर आप उसी तरह देखेंगे ना कि 16 whole 2/3% का वैल्यू आपको पता होगा, 37 whole 1/2% का वैल्यू पता होगा, जो नीचे होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर, ऊपर वाला जो होने वाला है वो क्या होगा, चेंज वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, अब हम लोग पहुंच गए क्या, सवाल पे, है ना, हम लोग थ्योरी तो बहुत अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, धीरे धीरे अब क्या करेंगे, थ्योरी खत्म नहीं हो गया, हम लोग अब क्या करेंगे, ये धीरे धीरे थ्योरीज भी पढ़ते चले जाएंगे और साथ में हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चंस जो है बहुत बार बार अधिकतर हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि हो क्या रहा है, है ना, चूंकि जो पुराने से जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो पता होगा, और ऐसे भी जिनका बेसिक्स मजबूत है उनको ये सारा चीज पता होगा। तो वो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इससे क्या करेंगे कि 1.5x की स्पीड से आप देख लेंगे और फटाफट आप आंसर करते चले जाएंगे, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर के लगता है ना कि ये सवाल तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन सवाल नहीं बनता, गलत आंसर आ जाता है। इसलिए क्या करेंगे आप कि सवाल को साथ साथ में बनाते चले जाएंगे और टिक करते चले जाएंगे, ठीक है। आइए आप लोग देखिए, इधर क्या क्वेश्चन है कि 30% ऑफ दिया गया, 30% 30% का 15% एक संख्या 18 है, वह संख्या क्या है, संख्या क्या है, यही तो पता नहीं है, है ना, संख्या क्या है। जैसे कि यदि बोलता ना कि 600 का 40% क्या है, यदि ऐसा बोलता तो 40% करते, 600 का 40%, ये हम निकाल लेते, यहाँ 2 0 2 0 चल जाता, कितना होता, 240, 6 चौक, है ना, 24, तो इस प्रकार से हो जाता। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है ना कि ये नंबर दे ही नहीं रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, आपको नंबर नहीं दे रहा है, नंबर नहीं दिया है, कोई बात नहीं सर, नंबर मत दो, क्योंकि हम बच्चे थोड़ी ना है, है ना, बच्चे तो है नहीं। आइए देखते हैं, ठीक है, और आपको पता होगा, जिनको पता नहीं है देख लीजिए कि परसेंटेज, तो ये परसेंट का मतलब ही 100 होता है, और फिर इंग्लिश में यदि जहां आपको दिखे ऑफ या फिर का उसका या के उसका अर्थ ये होता है कि गुना करना, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो देख रहे हैं यार, 30% ना, 30% का निकालते आते हैं जी, 30%, देखिए मैं फिर से बेसिक से बता रहा हूं, पहले आप सीखेंगे फिर ऐसे नहीं आप सॉल्व करना एग्जाम में, ठीक है, 30% यानी कि 30% का यानी कि गुना 15% यानी कि 15%, ठीक है, एक संख्या, क्या संख्या या पता ही नहीं है, इधर ही संख्या को हम x रख लेते हैं, ठीक है, बराबर, ठीक, कितना है, तो 18 है, कितना है, 18 है, ये बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। अब आइए देखिए, इसको आप यदि तोड़ते चले जाएंगे, देखिए ये जाएगा, जाने दीजिए, ये देखिए जाएगा, है ना, कटाइए इसको, यस, 5 बार में 2 ने वाला है, 5 3 15 5 20 है 100, ठीक है, ये आया। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू 3/10 इंटू 3/20 इज इक्वल टू 18,
लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अब मैथ्स सीखना हुआ आसान। मैं बिल्कुल आपके लिए मैथ्स आसान बना देना देने वाला हूँ, बिल्कुल हलवा बना देने वाला हूँ। बस है ना, आप अपना देख लीजिए कि आप मेहनत कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, या फिर आप बहाना ढूंढना चाहते हैं। यदि आप बहाना ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ से निकल सकते हैं, और यदि आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो आप फिर आइए, बिल्कुल मैं सिखा करके रहूंगा आपको। ठीक है, तो एक्स ये आप सॉल्व कर लिए। यहाँ आप देखेंगे ये क्या हो गया, एक्स इंटू 3 3 कितना हो गया 9। बहुत अच्छा जी, 20 गुना 10 कितना हुआ, 20 दहें 200, कितना हो गया 200 बराबर कितना 18। ठीक है, अब ये बताइए इधर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। बहुत अच्छा। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए भी बता दे रहा हूँ जी। देखिए जब बराबर होता है तो मल्टीप्लीकेशन इधर जाने के बाद ये डिवाइड में चेंज हो जाता है, या फिर इधर से इधर आने के बाद क्या होगा कि ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। ये सबसे पहला बात। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो यदि इधर कोई प्लस में है और इक्वल टू के उधर यदि जाए तो वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, या फिर यदि वो इधर से इधर आए तो प्लस में हो जाएगा। ये भी नोट कर लेंगे, जिनका बेसिक्स बहुत ही खत्म है ठीक है वो ध्यान देंगे। ठीक है, अब इस चीज को देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। बहुत अच्छा, इसका यदि हम वैल्यू निकालना चाहें, क्या एक्स का ही तो वैल्यू निकालना है हमें, तो एक्स बराबर कितना हुआ ये 18। ठीक है, अभी देखिए इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड में लेकिन क्या मल्टीप्लाई में, तो ये उलट जाएगा। बहुत अच्छा, तो ये क्या हो गया 200 बटे 9। बहुत बढ़िया, तो इसे आप क्या करेंगे, देखिए जाने वाला है, जाने दीजिए, यदि दो बार में, दो दुना कितना हो गया 4, यानी कि 400 क्या ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। ये बात समझ में आई? ये मैं आपको समझाने के लिए बस इतना बता रहा हूँ। ठीक है, इतना आप एग्जाम में नहीं करेंगे, यदि आप एग्जाम में इतना करेंगे तो आप विश्वास मानिए कि आप बाहर हो जाएंगे, है ना, रेस से बाहर हो जाएंगे। इतना आपको नहीं करना। आप कैसे करेंगे सो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया। अब यहाँ से ध्यान देंगे ना, आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए डायरेक्ट, ये कटाने उटाने वाला काम नहीं करेंगे कि ये समझिए आप यहाँ पहुँचे एक्स, ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पहुँचे कि 30% यानी कि 3/10, ठीक है, उसके बाद फिर 15% यानी कि कहते हैं 3/20 बराबर कितना 18, और उसके बाद फिर ये दिमाग में आपके आप ऑटोमेटिक दिमाग में चलना चाहिए कि 3 3 9 और ये 200 उधर जाएगा तो ऐसे हो जाना, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से फिर आपको क्या करना है, इस जगह पे पहुँच करके डायरेक्ट आंसर पे पहुँच जाना है। समझ में आ रहा है ना? और ये काम कब हो पाएगा, एक बार में नहीं हो पाएगा। यदि आप न्यू हैं तो जस्ट 12th पास हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर में और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट नहीं बनने वाला, एक बार में नहीं आएगा। ये आप तब कर सकेंगे जो अपने दिमाग को आप ट्रेन करेंगे, धीरे धीरे अपने दिमाग को सिखाते चले जाएंगे और आप मेहनत करते चले जाएंगे, तो क्या होगा आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होते चले जाएगा और स्पीड तो ऑटोमेटिक आपका बढ़ ही जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ट्राई करना चाहेंगे क्या? ट्राई करेंगे ना, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं, इसे देखिए समझने की कोशिश करेंगे। यदि क्या कि 5000 रुपये के 20% के 15% का 10% क्या है, देख रहे हैं? बस कुछ नहीं है ना, एक यदि मैं आपको बोलूं तो ये ना 6th क्लास के ना 6th क्लास की ये मैथ्स है, ये कोई टफ है नहीं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5000 दिया गया जी, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। ठीक है, 5000, बहुत बढ़िया। रुपये के 20% आप बताइए फटाफट, 20% का वैल्यू कितना होता है? यस, है ना, 1/5। अब देखिए ना, जिनको वैल्यू याद नहीं होगा वो क्या करेंगे, 20/100 लिखेंगे। ठीक है, और जिनको वैल्यू याद होगा वो 1/5 लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ। फिर के दिया गया है यानी कि गुना 15%, 15% का वैल्यू कितना, यस 5 × 15 = 20 है 100। देखिए है ना, 15%, 15% मतलब कितना, 15/100। ठीक है, फिर आप इसको कटाएंगे तो 5 × 15 = 20 है 100, निकल करके आ रहा है 3/20,
बिल्कुल आ रहा है, लेकिन जिनको याद होगा ना, जिनको याद होगा वो चार्ट, वो आसानी से कर लेंगे उनको। फिर ये जो समय जो लगा ना, कुछ सेकंड, ये समय उनको नहीं लगाना पड़ेगा। फिर आप यहाँ लिखेंगे कितना, 3/20, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 20% भी हो गया, 15% भी हो गया, अब कितना बचा, 10%। 10% का वैल्यू कितना, 1/10, 1/10। अब पूछ रहा ना कि 5,000 रुपये के 20% के 15% का 10% क्या है, यानी कि इसी को सॉल्व करना है कि कितना निकल करके आता है। ठीक है जी, सॉल्व कीजिए, है ना। देखिए 2 0 है ना, 1 0 1 0, जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। देखिए 5 10 बार में चल जाएगा 50, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा जी। फिर ये कितने बार में, 5 बार में, और फिर पंचतिया कितना, 15, कितना निकल करके आया, 15 है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए जो है क्या है, 15, यानी कि 15 हुआ नंबर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आप आसान आसान से धीरे धीरे आप सॉल्व करते चले जाएंगे, अपने धीरे धीरे स्पीड को भी बढ़ा सकेंगे, लेकिन ये तब हो सकेगा जब आप क्या करेंगे, अपने बेसिक्स पे काम करेंगे, आपका बेसिक्स मजबूत होगा, तभी आप क्या कर सकेंगे, जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए और आसान कर दिया है, बस क्या कहना, इसमें सिर्फ भाषा बदल गया, क्या बदल गया, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बदल गया है, बाकी क्वेश्चन सेम है। देखिए इस जगह पे क्या दिया गया ना, 1/4, ठीक है, 1/3 और 2/5, ये तो दिया गया है। उस जगह पे क्या दिया ना, 20%, 10%, 15%, ऐसा दिया गया था, उससे आप फ्रैक्शन में चेंज करते थे। यहाँ आपको ऑलरेडी फ्रैक्शन में दे दिया है, कोई बात नहीं। क्या बोला, एक संख्या के, संख्या क्या है सर, हमको पता नहीं है, कोई बात नहीं है सर, नहीं पता है, एक्स इंटू एक संख्या के 1/4, यानी कि 1/4, ठीक है, फिर के गुना 1/3, 1/3, और बढ़िया, का 2/5, यानी कि 2/5, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब ये सबसे पहले ना, 2/5 हिस्सा कितना है, तो 15 है, कितना है, 15 है, ये ऑलरेडी दे चुका है, ये ऑलरेडी दे चुका है। अभी मिलता जुलता सवाल मिल रहा है, मिलेगा, देखिए आप, है ना, ये क्वेश्चन आप यहाँ सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं, आप देखिए यहाँ आप सॉल्व किए हैं कि इस जगह पे वहां क्या था, 15 बोला, यहाँ क्या है, 18, एक्स गुना 3/10 गुना 3/20 बराबर 18। तो इस प्रकार से आप x का वैल्यू निकाले थे, बिल्कुल निकाले थे, तो आप यहाँ भी निकाल सकेंगे, बिल्कुल निकाल सकेंगे सर, निकालिए इसको तो फिर आप, ठीक है, निकालिए। देखिए ये जाने वाला है, आसान कर लीजिए, ये 2 बार में चल गया, ये ऊपर में क्या हो गया, एक्स, ठीक है, गुना, ठीक है, ये कितना हुआ, 1 + 3 = 15, 15 दो ना कितना, 30, है ना, एक्स गुना 1/30 बराबर कितना, 15। एक्स का वैल्यू यदि निकालना पड़े तो ये क्या हो गया, 15, ये देखिए इधर डिवाइड में ना, 30 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, बहुत अच्छा, तो फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 * 3 = 45, बहुत अच्छा, और फिर 1 0 है लास्ट में, 1 0 लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ कितना निकल करके आया, 450, उधर सवाल में क्या निकल करके आया था, 400, यहाँ कितना निकल, 450, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर देखिए ना, इतना तक तो सेम ही है, वहां 400 निकल करके आया था, यहाँ 450 निकल करके आ रहा है। अब यहाँ से बस एक्स्ट्रा क्या जुड़ा हुआ है, ये चीज कि उस संख्या का 40% क्या है, यानी कि इस संख्या, किस संख्या का बात हो रहा है, 450 का। तो देखिए ना, 450 का 40%, तो 40 है ना, 40% क्या है, 40% क्या है। तो देखिए ऐसे से आप करेंगे, ये बच्चा वाला काम हो जाएगा जी, फिर ये दोनों को क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आने वाला है, तो 4 × 5 = 20, 4 × 16 है ना, कितना आएगा, तो 180 आ रहा है क्या, है ना, 180 आ जाएगा, ठीक है, 45 × 90 = 18, 180 आ गया, ठीक है, ऐसे करेंगे जी, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 450 है ना ये, और फिर आपको, आप बताइए, आप ही बताइए जी, 40% का आपकी, आपको याद करवाएं या नहीं याद करवाएं, बताइए ना, याद करवाएं, 40% का वैल्यू कितना होता है, 20% का, फिर से आएंगे ना, 20% का कितना है, 1/5, 40% कितना, 2/5, तो 2/5, देखिए 5 × 45 90 बार में, और 9 दूना कितना हो गया, 18, है या नहीं,
कुछ सेकंड है ना, देखिए इसमें क्या है ना कि एक एक सेकंड बचाते चले जाएंगे, बस सेकंड का ही तो खेला है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सेकंड का ही खेला है, तो सेकंड आप बचाते चले जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी यदि आ रहा होगा तो क्या करेंगे आप कमेंट में करने वाले हैं कि सर थोड़ा और बेसिक जाइए, यदि और बेसिक जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं और बेसिक से समझाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको समझा करके ही रहने वाला हूँ, समझ रहे हैं ना आप, बहाना छोड़ दीजिए अब, ठीक है। आइए आगे नेक्स्ट इस जगह पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में क्या दिया, द डिफरेंस बिटवीन 42% एंड 28% ऑफ अ नंबर इज 210, देन व्हाट इज द 40% ऑफ दैट नंबर। हिंदी में देखेंगे कि एक संख्या के 42% और 28% के बीच का अंतर 210 है, तो उस संख्या का 40% क्या है। कोई बात नहीं सर, आई इसके सबसे पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, ठीक है, कि दो नंबर का दिया गया कितना कि 42 और 28 है, देखिए ना 42 और 28 ऐसे मान करके चलिए, समझिए ना एक ही नंबर का बात कर रहा है ना जी, समझिए नंबर यदि वो 100 है, ठीक है 100 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 100 से परसेंट निकालना तो आपके लिए आसान है, बहुत आसान है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है 100 का यदि आप 40% यदि निकालें कितना निकलने वाला है 40, बहुत बढ़िया। और वही 100 का यदि आपसे बोले कि 28% निकालना है कितना निकलेगा 28, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया है, ये तो आप निकाल लिए, बोला क्या कि बीच का अंतर 210 है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 210 है, लेकिन वास्तविक में यदि आप देखेंगे इस जगह पे तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है बताइए, कितना है, कितना है 40, 40 में से 28 को घटाइए, घटाइए जी, अरे 10 में से 2 8 गया, कितना हो गया 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, यहाँ कितना बचा, कितना बचा यहाँ बताइए, यहाँ 3, 3 में से 2 गया कितना 1, ठीक है कोई दिक्कत, तो 40 हो गया, 40 नहीं यहाँ 42 दिया गया था ना जी, चलिए ठीक है, हाँ सही बात है, एक मिनट देख लेंगे यहाँ क्या दिया गया, 40% नहीं यहाँ सवाल में दिया गया है 42% है ना, 42, तो 42 हो गया, ठीक है तो 42, ठीक है 2 बढ़ जाएगा इसमें, तो 2 बढ़ जाएगा तो ये कितना हो गया आपका 14, ठीक है 14 हो गया, 12 में से 8 गया तो कितना हो गया 4, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, यानी कितना हो गया 14, ये दोनों का डिफरेंस देखिए ना, देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है 14, लेकिन सवाल में क्या बोला कि दोनों के बीच का अंतर 210 है, यानी कि ये जो 14 है ना यही है किसका, 14 जो है यही 210 के बराबर है, ये क्या है 210 के बराबर है, बताइए 14 बराबर यदि 210 है, 14 बराबर यदि 210 है और आपको बोले कि ये नंबर कितना है 100 का यदि वैल्यू निकालने बोल रहा है आपको, तो 100 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एक निकालने के लिए 210 बटे आप 14 करेंगे, इससे क्या होगा एक का वैल्यू निकल जाएगा, फिर आपको 100 का वैल्यू निकालना पड़े तो आप क्या करेंगे इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आप इसे कटाएंगे, देखिए ये जाने वाला है ना, डायरेक्ट मैं कटा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कटा रहा हूँ, ठीक है देखिए 15 बार में जाएगा, आप आसानी से कटा लीजिए, ठीक है किस प्रकार से कटाना चाहते हैं, ये 7, ठीक है ये 50, ठीक है जी 7 या 21, ठीक है और 5 कितना 15, जैसे भी कटाइए ना, जैसे भी कटाइए वो आपके हाथ में, आप बिल्कुल आप आजाद हैं, जैसे भी कटाइए वो आपको, लेकिन बस ध्यान आपको ये रखना है कि जितना अधिक आप समय लेंगे आप धीरे धीरे रेस से बाहर होते चले जाएंगे, इसलिए बहुत अधिक समय नहीं लेना है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो कितना आया 1500 आया, फिर क्या बोला कि देन व्हाट इज द 40% ऑफ दैट नंबर, यानी कि 1500 का, 1500 का ठीक है आपसे क्या बोल रहा है कि 1500 का 40%, फिर याद कीजिए 40% का वैल्यू कितना, तो 2/5, 2/5 देखिए 5 दिया कितना 15, 300 बार में चला गया, 3 दुना कितना हो गया 600, 600 ऑप्शन में है बिल्कुल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं क्या सर, इसी तरह सवाल में बनाए मतलब एग्जाम में बनाने वाले हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसे यदि एग्जाम में बनाएंगे फिर आप साइड चले जाएंगे ना, फिर आपका कहीं जगह नहीं रहने वाला, बिल्कुल आप ऐसे नहीं बनाएंगे सर, तो आप बताइए ना, पहले आप बताते हैं कि ऐसे समझाते हैं फिर बोलते हैं कि ऐसे नहीं बनाना एग्जाम में, इसका क्या मतलब, ऐसा इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैथ्स में आखिरकार हो क्या रहा है ना, कि ये कैसे काम कर रहा है, सबसे जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि मैथ्स ऐसा क्यों हो रहा है,
क्यों यही करना है ना, कभी गुनाह करना है क्यों करना, डिवाइड करना क्यों करना, ये तो बताइए सबसे पहले। और यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं वो करने वाला हूँ तो क्यों करने वाला हूँ। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मैंने ये सोचा तो क्यों सोचा, ये सही। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि ऐसा सोचते कैसे हैं, फिर आप सवाल को आसानी से बनाएंगे और फिर आप खुद सोचने लग जाएंगे। ठीक है, आइए अब बताते हैं आपको कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है, आपको क्या बोले, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना, 42% और कितना है 28%। ठीक है, कोई नंबर नंबर तो देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है जी, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 14 है, बिल्कुल है। और ये देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस 14 है, अरे सवाल में कितना बोल रहा है 210, यानी कि 14 बराबर ही कितना दिया गया 210। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो है 15 गुना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना, 15 गुना है। और यदि ये 15 गुना है तो यानी कि 100 भी क्या होगा, ये नंबर भी कितना होने वाला, 15 गुना होने वाला है, यानी कि 1500 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1500 हो जाने वाला। ठीक है, अब 1500 हो गया, अब इसका क्या बोला कि 40% निकालने के लिए। ठीक है, अब 1500 का क्या करेंगे हम, 40% निकाल देंगे। ठीक है, ये कितने बार में, तीन बार में 300, और तीन दुना कितना हो गया 600। ठीक है, अब बताइए किसमें समय कम लगा, इसमें लगा ना, तो ये ऐसे करेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब नोट करेंगे, देखिए मैं इसका जो इसको टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, इसका सारा का सारा जितना भी मैं आप बता रहा हूँ, सारा का सारा चीज आपको हूबहू जैसे मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ वैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाने वाला है। आप लोग क्या करेंगे, उसको भी नोट करेंगे, और जो मैं सवाल आपको दे रहा हूँ कि ये होमवर्क के नोट में, उसे भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे पिन करवा दूंगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो y x का कितना प्रतिशत है। ये बैंकिंग का सवाल है ना, आपको लग रहा होगा ना कि तुच्छा सा सवाल है, बैंकिंग का सवाल है, और इसी प्रकार का सवाल आता है। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता कि आपको सवाल करने नहीं आएगा, आपको सवाल सबको आता है, मैथमेटिक्स सबको आता है, किसी ना किसी तरह से वो सॉल्व कर ही लेते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि समय कम पड़ जाता है। ठीक है, और सही समय पर सही तरीके से सवाल जिस दिन आप कर लेंगे उस दिन आपका सिलेक्शन होगा, जिस दिन नहीं कर पाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, अब इसमें से ना बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये सवाल ही सॉल्व करने नहीं आ रहा, फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि सवाल को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन गलती हो रहा है, तो दोनों लोग ध्यान देंगे। ठीक है, जो जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, वीडियो को एस इट इज देखेंगे, और जिनको आ रहा है वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाने का सिस्टम तो है यूट्यूब पे, आप क्या करेंगे उसे स्पीड बढ़ा करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख लेंगे, ज्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, आइए x माइनस वाई का 50%। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले मैं बेसिक से बताता हूँ। देखिए 50% का मतलब गुना होता है ना। ठीक है, देखिए इस जगह पे 50% यानी कि क्या, 50% का यानी कि गुना। ठीक है, x माइनस वाई ठीक है बराबर, ठीक है जी बराबर है कितना, 30% यानी कि 30%। ठीक है, फिर क्या है, x प्लस वाई, यही तो है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए इस जगह से ये 100 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। फिर आप देखिए ना, ये जीरो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। अब देखिए ना इस जगह से, यहां देखेंगे ये क्या हो गया, दोनों मल्टीप्लाइंग, ये क्या हुआ 5x, ठीक है, माइनस ये क्या हो गया 5y बराबर, ये क्या हो गया आपका 3x प्लस 3y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, मैं देखिए मैं इस प्रकार से लेकर के चल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लेकर के नहीं चलने वाला हूँ, ये कुछ ही क्लास लेकर के चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर ऐसे नहीं समझाएंगे आपको। ठीक है, आप समझ जाइए, धीरे धीरे आप वीडियोस पुराने वाले देखते चले जाएंगे, फिर आप पूरी तरह से कनेक्ट, मैं बार बार बेसिक्स नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप ध्यान देते जाएंगे, सीखते चले जाएंगे, और नहीं सीखेंगे तो फिर तो छोड़ दीजिए बात, है ना। ये 5x, अब क्या करेंगे, x को एक साइड, y को दूसरे साइड। ये देखिए 5x है, ये 3x है, इधर लाना चाहते हैं ले आइए सर 5x। अब देखिए इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो गया
या चलिए लिख करके ही दिखा देते हैं जी आपको पहली बार, 5x-3x ठीक है बराबर। सर आप ऐसा कीजिए y को दूसरे साइड कर दीजिए, कर देते हैं जी, ये पहले से यहाँ है रहने देते हैं, ये y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये क्या हो गया आपका 5y। फिर ये क्या हो गया 5x-3x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 8y, 8y। अब यहां से x और y का यदि रेशियो निकालना हो, ठीक है x और y का यदि रेशियो निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला है जिसे लिखो उसे देखो नहीं, क्या जिसे लिखो उसे देखो नहीं। तो यदि आप देखिए x का यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसे नहीं देखना है, ठीक है जिसे लिखो उसे देखो नहीं, ये लिखना चाहते हैं इसे क्या कीजिए ढक दीजिए, कितना दिखा आपको 8, यानी कि x कितना होने वाला है 8, y लिखना चाहते हैं y को ढक दीजिए कितना है 2, यस वेरी गुड। तो ये क्या आया आपका 2। अब ये देखिए इसको काट पीट करेंगे कितना आया 4/1, 4/1, यानी कि आप इस जगह से देखेंगे कि x यदि है ना, x यदि 4 है तो y कितना है 1 है, x यदि 4 है तो y कितना है 1 है। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब आगे सवाल में देखिए ये आपको बेसिक से बता रहे हैं फिर से, फिर याद किया बोला कि y x का कितना प्रतिशत है, y x का इस बात पे ध्यान देंगे आप, y x का, y कितना है 1, x का यानी कि वो जाएगा नीचे, x का कितना प्रतिशत है यानी कि 100% से गुना करेंगे आप, ठीक है तो यहां से आप सॉल्व करेंगे कितने 25 बार में जाने वाला है, ये कितना हो गया आपका 25%। क्या आपके ऑप्शन में है? यस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे आप सॉल्व करेंगे, ये आपको मैं बेसिक से बताया। क्या इसी तरह सर एग्जाम में बनाना है? नहीं सर, ऐसे यदि एग्जाम में बनाने लग गए पता चला आप पूरे 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 घंटे में ना एक या दो सवाल सॉल्व कर पाएंगे, बाकी तो आप ऐसे ही रह जाएगा, तो वैसा आप नहीं करेंगे, ये मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ आपको, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है सर, वो भी बता दीजिए सर, आप वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है आपको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ परसेंटेज, इधर भी परसेंटेज, ध्यान देंगे हेलो इधर इधर इधर, ठीक है परसेंटेज। अब देखिए ना इसको जाने दें, इधर भी 1% उधर भी 1%, ऐसा नहीं देखिएगा इधर दो रहे उधर एक रहे तो मत कटा दीजिएगा, इधर एक उधर भी एक, दोनों चल जाएगा आराम आराम से, ये परसेंट चल गया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 1-0 इधर भी 1-0 चल गया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अब क्या करना होगा, देखिए जब आपका बेसिक्स मजबूत रहेगा ना फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप बहुत सारे सवाल का ना अपने दिमाग में सॉल्व कर सकेंगे। अभी तो आपका दिमाग खाली है जी, दिमाग जब खाली है तो दिमाग में कैसे आएगा ना, दिमाग को सबसे पहले भरना पड़ेगा ना। अब देखिए इस चीज को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हुआ 5x हो गया, 5x है, अब x को एक साइड लाना है, इधर 5x है और उधर क्या होगा 3x होगा, इधर लाना है तो 5x-3x कितना हो गया 5x उधर 3x इधर, इधर वाला उधर ले जाएंगे तो 5x-3x क्या हो गया 2x, यस सर। यानी कि आपको क्या करना है ना, आपको इतना सारा लिखना नहीं है, आपको क्या करना है डायरेक्ट सवाल से कहां पहुंचना है, इस जगह पे पहुंचना है, क्या करना है डायरेक्ट उस जगह से इस जगह पे पहुंच जाना है, ये क्या हो गया 2x। फिर देखिए इधर क्या हो गया, इधर 5y है, उधर क्या है इधर देखिए माइनस है ना, माइनस इधर है, -5y और इधर क्या है 3y इधर वो इधर आया तो 3+5 कितना 8, यानी कि क्या हो गया 8y, समझ में आया। यानी कि आप इस जगह से डायरेक्ट आप कहां पहुंच जाएंगे, इस जगह पे, यहां आपका दिमाग रिडायरेक्ट कर देगा, खुद कर देगा, कब जब आप इस पे काम करेंगे, यदि आप इस पे मेहनत नहीं करेंगे तो ये रिडायरेक्ट नहीं करने वाला। ऐसे आया फिर यहां से आप निकाल लेंगे, फिर यहां से सेम चीज है कि 1/4, 1/4 का वैल्यू कितना होता है तो 25% होता है, इस प्रकार से आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है समझ में आया, बिल्कुल आया ना सर, इतने अच्छे से समझाएंगे तो समझ में क्यों ना आए, है ना, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़िए। ठीक है ये आज का लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है आइए देखते हैं 9/72 का कितना प्रतिशत है, बच्चा वाला सवाल है सर, ठीक है देख लीजिए, लेकिन है ना बच्चा वाला सवाल, लेकिन करें भी तो क्या, इस टाइप के ही तो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग लेकर के बढ़ाने वाले हैं, लेवल धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा, आप लोग क्या करेंगे ना कि सीखते चले जाएंगे, मैं इसलिए पहले आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको मैथ से डर ना लगे, ठीक है, बल्कि मैथ्स को समझना है और मैं समझाने वाला हूँ जी आपको, ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा,
ठीक है, आइए कि 972 का कितना प्रतिशत है। 9, यस सर 9 है, इस पेन से नहीं, दूसरा कलर लेता हूं, ठीक है 9, ठीक है देखिए 972 का, ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन क्या करना, कुछ लोग क्या करते हैं 72/, ऐसे कर देंगे, ठीक है 72/9 ऐसे यदि कर दिए तो देखिए कितना आया, 800% आंसर आ जाएगा। 800% तो है नहीं, नहीं आपको दिखेगा क्या, ना नहीं ऐसे मार देंगे टिक, गलत हो जाना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 972 का, 972 का यानी कि वो बेस होगा, 972 का कितना प्रतिशत होने वाला था, कटाएंगे कितना आया 1/8। अब बताइए 1/8 का वैल्यू कितना, 12.5%, 12.5% ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। अब जिनको ये भी नहीं आ रहा हो तो ऐसे करेंगे जी, 1/8 इंटू है ना 100%, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है सॉल्व करके फिर आप पहुंचेंगे वही जगह पे कि 12.5% होने वाला है। समझ में आ गया, आशा करते हैं जी, है ना, इतना पढ़ाने के बाद ऐसे है ना, ऐसा तो काम नहीं करेंगे आप, ठीक है आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे इस जगह पे, है ना 12.5 पर पहुंच जाएंगे, इतना विश्वास करते हैं आपके ऊपर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया, आज हम लोग क्या करते हैं क्लास को यहीं विराम देंगे, ठीक है आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और आप लोगों का कमेंट्स देख करके बहुत ही अंदर से खुशी महसूस हो रही है, आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, ठीक है तो फिर जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, थैंक यू।